तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्ड्स होता क्या है, बुक में देखो, बुक में क्या दिया गया है, ए सर्ड्स इज डिफाइंड एज ए पॉजिटिव इरेशनल नंबर ऑफ ए टाइप रूट ओवर एक्स वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्टली द nth रूट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सर्ड्स उस नंबर को बोलेंगे, मान लीजिए कोई नंबर 5 है और ये इस तरह से रूट ओवर है, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका प्रॉपर नंबर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग बताए थे, इरेशनल नंबर जो होता है उसका जो भी अगर हम लोग तोड़ेंगे भी, अगर वो पॉइंट्स में भी आएगा तो नॉन डिस्टर्बेबल होगा, मतलब 1.2345678910 डॉट 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 चलते जाएगा। इस प्रकार जो नंबर होता है इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और सर्ड्स क्या बोलता है कि अगर कोई इरेशनल नंबर रूट ओवर के अंदर में है, सर्ड्स क्या है, कोई इरेशनल नंबर अगर रूट ओवर के अंदर में है तो उसको हम लोग बोलते हैं SURD, सर्ड्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल, इसी को हम लोग बोलेंगे रेडिकल। और क्या 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 बोला गया है इसमें, इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, एंड इट इज ए रूट ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये किसका रूट होता है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर का रूट होता है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ चीज हम लोग समझेंगे, जैसे कि ये नंबर का फॉर्म, ये जो फॉर्मेट दिया गया इस प्रकार से दिया गया, ठीक है ना। अगर रूट 7 लिखते हैं तो ये भी क्या है, सर्ड्स है। मगर अगर रूट मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो ये सर्ड्स नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट ओवर 25 का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 5 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है, वेयर इट इज नॉट टू फाइंड एग्जैक्ट द nth रूट ऑफ x, मतलब जब उसका रूट ओवर ना निकले, जब उसका रूट ओवर ना निकले उस तरह का नंबर को हम लोग सर्ड्स बोलते हैं। बट रूट ओवर 25 अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, इसका वैल्यू तो निकल जा रहा है ना, इसका nth रूट निकल रहा है कि ये 5 है, तो इस कारण वर्ष रूट ओवर 25, रूट ओवर 49, रूट ओवर 64, इस प्रकार का नंबर को हम लोग सर्ड्स नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ कोई नंबर n लिखा गया है, ठीक है, और इसके आगे में मान लीजिए कि ABCD कुछ भी नंबर लिखा गया है, तो इस a को हम क्या बोलेंगे, इस a को बोलेंगे कॉफिशियंट, क्या बोलेंगे, कॉफिशियंट बोलेंगे। ये जो n है इसका नाम हम लोग पुकारेंगे इंडेक्स, बट ये जो n है ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, n बताता है हम लोग को ऑर्डर ऑफ सर्ड्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स के बारे में। ऑर्डर ऑफ सर्ड्स मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम कोई नंबर को रूट ओवर में रखते हैं, जैसे मान लीजिए रूट ओवर 2, ठीक है, तो अब इसमें कोई भी n वैल्यू दिया गया है, जब कोई नंबर में कोई वैल्यू नहीं पुट किया हुआ रहता है, कोई सर्ड्स में, नंबर में नहीं, कोई सर्ड्स है और अगर रूट में है, और अगर रूट में यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हमें मान लेना पड़ेगा कि ये जो है n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्या है, 2 है। जब भी वैल्यू नहीं दिया गया रहेगा तो ये समझ जाइए कि उसका ऑर्डर ऑफ सर्ड्स क्या है, दैट मीन्स उसका इंडेक्स क्या है, 2 है। नॉर्मली 2 से बड़ा हुआ नंबर जब भी होगा तो नंबर के साथ में ये नंबर यहाँ लिखा हुआ रहेगा, n का जो वैल्यू होगा वो लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से अगर यहाँ लिखते हैं हम 5 लिखते हैं तो ये जो 5 है, 3 है, 2 है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स है, क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ड्स है। और ये जो रूट साइन होता है ना, ये जो साइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिकल साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं। और ये जो एक्स है ना, ये जो इसके अंदर का वैल्यू जो होता है एक्स या जो भी नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडी कैंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेडी कैंट। यहां तक समझ में आया, सर्ड्स किसको बोलते हैं, ठीक है, और सर्ड्स किस फॉर्म में रहेगा, कोई नंबर रूट ओवर के अंदर तो उसको सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग फिर देखेंगे।
देखिए अब हम लोग समझेंगे प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड क्या होता है, प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड क्या होता है। तो आपका बुक क्या कह रहा है आप लोगों से पहले वो देख लीजिए, ठीक है, बुक को पढ़िए। बुक में लिखा गया है ए सर्ड्स विद रेशनल फैक्टर इज वन, ओनली अदर फैक्टर बीइंग इरेशनल इज कॉल्ड ए प्योर सर्ड। मतलब अगर एक सर्ड्स ऐसा है जिसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके उसका फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ वन निकलेगा, और बाकी अगर कोई फैक्टर निकलता हो तो वो इरेशनल वैल्यू होगा। क्या वैल्यू होगा? इरेशनल वैल्यू होगा। तो उस प्रकार से जो सर्ड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सर्ड्स। बट मिक्स सर्ड्स क्या होता है? मिक्स सर्ड बोल रहा है कि ये सर्ड्स हैविंग रेशनल फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा उसका और भी फैक्टर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज इसमें ये समझिए फैक्टर क्या होता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूंगा 8 का फैक्टर निकालो तो आप कैसे निकालेंगे फैक्टर? ऐसे हम लोग फैक्टर निकालते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया 2, ए 4, उसके बाद फिर 2। तो अब इसका फैक्टर कितना होगा? 2 × 2 × 2, है ना। या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, 8 जो होता है किसका किसका टेबल में आता है? 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 8 का टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 8, दीज आर द फैक्टर ऑफ 8। तो उसके मुताबिक ये फैक्टर निकालने का तरीका है। बट हम लोग नंबर का फैक्टर नहीं निकाल रहे, हम लोग सर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ √17, ठीक है। अब √17 को तोड़ के ऐसा कोई नंबर है जो बाहर आ सकता है? √17 को हम लोग तोड़ के इस रूट ओवर से बाहर नंबर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते, ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं मालूम तो बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं 50 लिखता हूं और उसके बाद रूट ओवर लिखता हूं, ठीक है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू तो 2 है, इसका इंडेक्स वैल्यू 2 है। तो 50 को अगर हम तोड़ेंगे, 50 को अगर हम तोड़ देते, जैसे 2 से अगर हम तोड़ते तो कितना आता है? 25 आता है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग 5 से तोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा? 5 × 5 आ रहा। तो इस रूट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5 × 5। तो जब इस इंडेक्स का वैल्यू 2 होगा, जब इस इंडेक्स का वैल्यू 2 होगा तो हम लोग दो नंबर को, जैसे 5 × 5 सेम है, दोनों सेम है, तो इसको हम लोग बाहर इस प्रकार से लिख सकते हैं 5√2, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 50 इज नॉट ए प्योर सर्ड। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक फैक्टर जो है वो तो 1 है, एक फैक्टर क्या है? 1 है, और अदर फैक्टर क्या निकल रहा है? 5। अदर फैक्टर क्या निकल रहा है? 5। बात समझ में आ गया? एक फैक्टर हो गया आपका 1, एक फैक्टर हो गया 5। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई सर्ड रेशनल फैक्टर उसका 1 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सर्ड। और प्योर सर्ड क्या कह रहा है हम लोगों से? प्योर सर्ड का कहना है कि जिस सर्ड का रेशनल फैक्टर 1 होगा, ठीक है, सिर्फ 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सर्ड। रेशनल, अगर इरेशनल का बात छोड़ दीजिए, सिर्फ फैक्टर को पकड़ के चलिए, रेशनल नंबर को ही अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो जिस सर्ड का फैक्टर 1 निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, ओनली 1 निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सर्ड लाइक दिस नंबर। एंड अगर 1 से अदर निकला, जैसे यहाँ पे 5 निकल रहा था, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स सर्ड। बात समझ में आया? ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे नंबर अगर हम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए 30 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, कितना लिख दिया हूँ? 3। अब अगर 30 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 30 का फैक्टर निकालेंगे तो कैसे होगा? 2, उसके बाद आया 15, उसके बाद आया 3, उसके बाद आया 5, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा नंबर लेना है जो रिपीट हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे चलिए मान लेते 60 लेके देखते हैं, ठीक है ना। 60 अगर लेंगे हम लोग, तो 60 को अगर हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। फिर 30 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। फिर 15 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 120 ले लेते हैं, तब ठीक होगा। 120 ले लिए,
अब इसको अगर हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका नंबर कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हुआ, ठीक है, और रूट ओवर ऐसे है। तो अब इसका इंडेक्स वैल्यू कितना है, 3 है ना, तो ये 3 जोड़ा जो बन रहा है ना, 2 × 2 मतलब 2 कितना बार रिपीट हुआ, 3, तो इसको हम लोग बाहर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट और अंदर क्या बचा 3 × 5, क्योंकि ये 3 रह दिया रहेगा तो 3 नंबर बाहर लेके जाएंगे, अगर ऑर्डर ऑफ सर्ट्स 4 दिया रहेगा तो 4 नंबर बाहर लेके जाएंगे, अगर ऑर्डर ऑफ सर्ट्स 5 दिया रहेगा तो 5 नंबर बाहर देंगे, और ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो 2 नंबर लेके जाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी ऑर्डर नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, 2 है। बात समझ में आ गया। अब देखिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है 2.16, क्या बोला जा रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, ठीक है, तो ये नंबर सर्ड्स है कि नहीं, इसको किस प्रकार से चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करिए, 49 दिया गया ना, तो 49 का आप फैक्टराइजेशन करिए, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 के टेबल से जाएगा, 7 जा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 × 7 रूट ओवर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा था अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब 2 है, और जब ये नंबर 2 है तो ये दोनों क्या होगा, 1 हो गया, बाहर आ जाएगा रूट का, तो ये रूट का बाहर आएगा तो 7 हो गया, इसका जो वैल्यू है ये कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और इसका रूट निकल रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट ए सर्ड्स, तो पहला नंबर जो है वो सर्ड्स नहीं है। इसी प्रकार से अगर दूसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे तो 96 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और उसके बाद में यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4, फिर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद में हम लोग फिर से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3, देख लीजिएगा कोई मिस्टेक है इसमें नहीं है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना टू है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका मतलब ये जो 4 है ये दोनों 1 बन के बाहर आ जाएगा, ये 2 है तो ये भी 1 बन के बाहर आ जाएगा, तो बाहर में हम लोग लिख देते हैं 2 × 2 और रूट ओवर के अंदर में क्या बचा, 2 × 3, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 √6, तो ये एक सर्ड्स है क्योंकि इसका रूट नहीं निकला, ठीक है ना, और रूट 6 जो है क्या हो जा रहा है, ये आपका इरेशनल नंबर हो जा रहा है, रूट्स निकल ही नहीं रहा ना, तो जिसका रूट नहीं निकलेगा वो सर्ड्स है। उसी प्रकार से इसको अगर हम लोग चेक करेंगे 81 को, 81 है, इसको हम लोग करेंगे किससे, अगर 3 से करते तो जाएगा ये 3 × 2 जा और फिर 3 × 7 जा, फिर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 × 9 जा और फिर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 3 × 3 जा। तो अब कितना नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर लेना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जो दिया गया वो कितना है, 3 है, मतलब कि अंदर में रूट कितना है, देखिए 3 कितना है, 4 बार रिपीट हो रहा है रूट ओवर के अंदर, और इसका जो वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स दिया गया 3 दिया गया है, तो इस कारणवश हम लोग 3 को 1 पकड़ेंगे और बाहर लेके जाएंगे, तो हम लोग बाहर लेके गए तो यहाँ कितना बचा 3√3, तो इसका भी प्रॉपर हम लोग रूट ओवर निकाल रहे, नहीं निकाल रहे, तो ये भी क्या है, सर्ड्स है। सेम उसी प्रकार से आप फोर्थ नंबर भी करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्ड्स है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2.17 में क्वेश्चन दिया गया जिसमें बोला जा रहा है फाइंड इंडेक्स एंड रेडिकेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकेंड, और ये जो रूट के बीच में जो यहाँ नंबर दिया गया ये क्या होता है, इसका इंडेक्स होता है। तो उस प्रकार से पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग बोलेंगे इसका इंडेक्स कितना है, तो कितना इंडेक्स 5 है, और रेडिकेंड कितना है, 117, रेडिकेंड है 117। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ कुछ नहीं दिया गया, जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे उसका इंडेक्स कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे इंडेक्स और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 और रेडिकेंड कितना है, 162, रेडिकेंड है 162। सिमिलर फैशन में तीसरा नंबर में इंडेक्स वैल्यू क्या है, बोलो 4 है, और रेडिकेंड क्या है,
213, ठीक है। फोर्थ का भी कर देते हैं, फोर्थ में इंडेक्स क्या है, 4 है, और आपका जो रेडिकेंट है वो कितना है 214। क्लियर हो गया सबका। देखो अब एग्जांपल नंबर 2.18 देखेंगे, तो एग्जांपल नंबर 2.18 में क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई प्योर एंड मिक्स सर्ड्स, ठीक है। तो प्योर और मिक्स सर्ड्स के बारे में हम लोग देखे थे, प्योर सर्ड्स क्या कहता है, जिसका फैक्टर 1 आना चाहिए, है ना, और अदर रैशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा तो कोई बात नहीं। और मिक्स सर्ड्स क्या कहता है कि 1 से ज्यादा अगर फैक्टर निकलता है तो उसको हम लोग मिक्स सर्ड्स बोलते हैं। तो पहले कितना दिया गया, 42 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 2 से तो कितना आएगा यहाँ पे 2 1 आएगा, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, और फिर तोड़ेंगे तो कितना, मतलब कितना आ रहा है इसके अंदर, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर बाहर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 42 का फैक्टर कितना है, सिर्फ 1 है, दैट मीन्स 42 जो है ये प्योर सर्ड्स है। ये क्या सर्ड्स है, ये प्योर सर्ड्स है। उसी तरह से इसको तोड़ के देखेंगे, ऐसे भी इसको तोड़ के क्या देखेंगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। जब ये 4 है तो जाहिर सा बात है इसका 1 फैक्टर है, और यहाँ पे 4 दिया गया है तो अदर देन 1 फैक्टर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मिक्स है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखते तो इसमें भी 2 दिया गया है, तो ये भी क्या है, ये आपका मिक्स है, ठीक है। अब देखिए कुछ लॉज देखेंगे हम लोग, लो ऑफ रेडिकल। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है ए और ये रूट ओवर में है, ठीक है, और उसके बाद में इसका इंडेक्स कितना दिया गया है एन, और उसके बाद ये होल ओवर स्क्वायर में दिया गया है, तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, ए निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो भी हम लोग देख लेते। देखिए मान लीजिए कि एक मैं लिखता हूँ रूट टू, और मैं उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर लिखूंगा, तो याद रखिएगा कि ये स्क्वायर और ये रूट कट जाता है और वैल्यू आता है 2, दैट मीन्स जो वैल्यू ए है। इसी प्रकार से अगर ये लिखा हुआ रहता ऐसे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ रहता, यहाँ 3 लिखा हुआ रहता, और यहाँ पे अगर क्यूब होता, यहाँ पे अगर क्यूब होता तो किसका वैल्यू कितना आता, 4 आता, क्योंकि ये और ये कट जाएगा और वैल्यू 4 आएगा। इसका मैं एक तो आपको दिखाता हूं, और एक चीज जब हम लोग एक्सपोनेंट कर रहे थे तो उस समय देखिएगा, अगर कोई नंबर रूट में रहता है, जैसे यहाँ पे कितना है 2 है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, दिस नंबर को इससे लिख सकते हैं 2 to the power 1/2, ठीक है। तो जब 2 to the power 1/2 को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 1/2, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 कट जा रहा है, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बात समझ में आ गया, पहला वाला क्लियर हुआ लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है लो, कि अगर कोई नंबर है ए और कोई बी, ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई नंबर दिया गया यहाँ पे 2, बट इसका पावर 3 दिया गया है, मतलब पावर नहीं इंडेक्स जो है 3 दिया गया है, और फिर मल्टीप्लाई साइन है, और उसके बाद यहाँ पे कोई नंबर है 4, और यहाँ पे भी अगर 3 दिया गया, मतलब दोनों का इंडेक्स वैल्यू सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, रूट ओवर में दोनों को ले जाके आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 लिख देंगे, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 into, इसका वैल्यू आ जाएगा 8 और 3। समझ में आया बात। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई नंबर ए है, मान लीजिए कोई नंबर 5 है, और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 5 दिया गया या 6 दिया गया, जो भी दिया गया, और नीचे में कोई नंबर है 7 और इसका वैल्यू भी 6 दिया गया, मतलब इंडेक्स वैल्यू दोनों का अगर सेम होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/7 और होल ओवर और उसके बाद यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 10 होता और मैं यहाँ पे लिखता, यहाँ पे 3 लिख देता, और उसके बाद में नीचे में एक नंबर होता 2 और यहाँ पे 3 होता, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, रूट
और 10 बाय 2 और 3 और ये कट जाएगा अंदर में 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 5 और यहाँ पे 3। समझ में आया तीनों लो जो था वो समझ में आ गया। अब एग्जांपल नंबर 2.19 देखेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट, ठीक है, यूज लो ऑफ रेडिकल टू एसेटर, मतलब जो अभी हम लोगों ने लो देखा था उसका यूज करके हम लोग को फाइंड करना है कि ये तीनों में कौन सा सर्ड्स है, ठीक है, और कौन सा सर्ड्स नहीं है। तो पहला वाला देखिए, पहला वाला में ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, सबसे पहले वो देखिए, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि अगर कोई नंबर ए है ना, और उसका इंडेक्स एन है, इनटू फिर कोई नंबर अगर बी है और उसका इंडेक्स एन है, तो हम लोगों को क्या करना है, रूट ओवर के अंदर में ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग लिख देंगे ऐसे। तो इसके अनुसार, इस लो के अनुसार यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिया गया है, 5 है और 80 है, तो 5 को 80 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400, ठीक है ना। तो अब 400 का आप फैक्टर निकाल के देखिए, 400 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे आ जाएगा 200, उसके बाद फिर 100, उसके बाद 50, उसके बाद 25, उसके बाद 5 से जाएगा 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 into 2 into 5, उसके बाद क्या है 5 into 5, ठीक है। अब जोड़ा नंबर हम लोग बाहर ले जाते हैं, ये दो नंबर बाहर चले जाएगा, रूट के अंदर कोई नंबर बचा नहीं, बचा दैट मीन्स इसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कितना आया 2 into 2 into 5, तो कितना आया 20 आया। दैट मीन्स अगर इसका रूट ओवर निकलता तो ये सेट नहीं है, तो ये जो पहला बीट है ये नॉट सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिवाइड में दिया गया है, तो डिवाइड का रूल क्या बोल रहा था, अगर कोई नंबर है ए और उसका इंडेक्स एन है और बाय कोई नंबर बी है और रूट ओवर उसका इंडेक्स एन है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर के अंदर में ए बाय बी। तो सेम यहाँ जो नंबर दिया गया इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 2 बाहर रहेगा, ठीक है, और 4 को हम लोग बाहर रखेंगे, और उसके बाद में इसके अंदर में क्या दिया गया है, ये रूट ओवर कितना है 15 बाय 10, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 2 जा कट गया, और ये 15 बाय 10 जो है ये कटेगा तो कितना आएगा 5 2 जा, और ये कितना आएगा सॉरी 5 3 जा, और ये 5 2 जा, तो जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा है 1/2 रूट ओवर 3/2। तो 3/2 एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, इसका वैल्यू पूरा नहीं निकला, तो ये क्या है, ये आपका सर्ड्स है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर देते, यही वाला रूल फॉलो कर रहा है ना, पहला वाला जो हम लोग देखे थे, तो हम लोग क्या, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू दोनों में 3 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 4 into 16 कर देते हैं, ठीक है। 4 into 16 करने से कितना वैल्यू आएगा बताओ, 4 into 16 करने से 64 आएगा, और यहाँ पे 3 है। अब 64 का अगर हम लोग निकालेंगे, फैक्टर करेंगे 64 को किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा 32 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1 और 6 16 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2 आ रहा है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 रूट ओवर, तो कितना वैल्यू लेके जाना है, 3 करके, तो 3 और ये 3, तो बाहर कितना आ जाएगा 2 into 2, इसका वैल्यू निकल रहा है 4, अगर वैल्यू निकल गया, रूट ओवर निकल जा रहा है, दैट मीन्स ये जो है ये क्या है, नॉट सर्ड्स। बात समझ में आ गया, ठीक है ना।